कैसी लग रही थी फरी? बहुत प्यारी लग रही थी। तस्वीर ही ले लेती कोई? हिम्मत नहीं हुई, और अगर होती भी ना तो तुम्हें दिखाने की हिम्मत ना होती। पूछोगी नहीं कि मोमिन कैसा लग रहा था? जो बंद आंखों से नजर आ जाता उसके बारे में नहीं पूछा जाता। जिसे तुम बंद आंखों से देखती हो उसे तुमने अपने हाथों से गवाया है आशी। वो खुश है तो अब मुझे इसे गवाने का कोई दुख नहीं। हाँ खुश तो बहुत है और उसे होना भी चाहिए। तुमने उसे बहुत गवाया, माया ने उसे सहारा दिया। मुमकिन है माया की मोहब्बत मोमिन के दिल से तुम्हारा ख्याल निकाल दे। तुम्हारा क्या होगा आशी, कभी तुमने सोचा है? अम्मी खाला ने तो मुझे दावत ही नहीं दी। कहीं वो मोमिन की तरह ये तो नहीं सोचती होंगी कि जाने में अपनी गाड़ी में उनके घर आना गवारा करूंगी भी या नहीं। नहीं बेटा, बेटा तुम्हारी खाला ने तुम्हें बहुत दुआएं दी, कह रही थी अल्लाह करे सारे सुख आशी को मिले। और पता है असल में मैंने क्या सोचा? मैंने कहा अल्लाह मियां ये कबूलियत ही घड़ी बन जाए और मेरी बेटी के सारे सुखों के दरवाजे खुल जाए। आपसे सुन के अच्छा लगा कि मोमिन माया के साथ खुश है। उसके चेहरे पे खुशी बहुत सजती है। वो खुश होता तो ऐसा लगता था कि आसपास की हर शय खुश है। मैंने तो मोहब्बत में उसे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। मेरी आस पर मोहब्बत का रोग पाल कर बैठ जाता तो खुशियों को ही तरसता रहता। आशी तुम्हें लगता है ना जब मोमिन खुश होता था तो आसपास की हर शय खुश नजर आती थी, इसी तरह मुझे और तुम्हारे बाबा को भी यही लगता है कि जब तुम खुश होती हो तो तुम्हारे आसपास की हर शय खुश नजर आती है। क्या हमें खुश होने का हक नहीं है? क्या हमें अपनी बेटी को खुश देखने का हक नहीं है? बोलो आशी जवाब दो, जब मोमिन ने अपनी मोहब्बत का रोग नहीं पाला तो तुम उसके रोग में क्यों घुली जा रही हो? क्यों फखर को सजा समझ के कबूल किया है? काश तुम फखर के बारे में बर वक्त बता देती तो आज मोमिन की खुशियां तुम्हारे साथ जुड़ी होती आशी। और तुम्हें क्या लगता है मोमिन की खुशियां दायमी है? नहीं, जिस दिन वो तुम्हारे दुख जान गया ना उस दिन वो अपनी हर सुख और हर खुशी को कुर्बान कर देगा।